कॉस्टस एलएस सिरप, यह डॉक्टर आपको बलगम वाली खांसी में प्रेस्क्राइब करते हैं, तो इसका क्या डोज होता है, क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है और कितनी बार लेना चाहिए? अगर आप जानना चाहते हैं इन सारी जानकारियों को तो बने रहें तक, पूरी जानकारी आपको हिंदी में दी जाएगी। तो पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे कॉस्टस एलएस सिरप के बारे में। इसे जो बनाता है वह मॉर्फेन लेबोरेटरी, और इसका जो पैक है वह 100 ml का कॉस्ट 99 rupees है। इसके अंदर जो ऐड किया गया लियोसॉल विटामिन अम्ब्रोक्सन प्रेपनासिन, इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब आपको बलगम वाली खांसी रहती है, जैसे कि आपके चेस्ट में कफ जमा हो गई है और आपके लंग्स में कफ है, कफिंग की वजह से आपका सीना दर्द हो रहा है, ज़्यादा कफिंग होने की वजह से आपको तकलीफ बढ़ रही है, और जैसे कि बार बार यह समस्या आपके अंदर हो रही है, यह कभी कभी आपको ठंडी की वजह से होता है या मौसम चेंज होने की वजह से होता है, या कोई आप ठंडा पदार्थ खा लेते हैं या आप सॉफ्ट ड्रिंक या ठंडा कोई चीज़ पी लेते हैं तब, तो जब आपको हो जाता है तो इसके वजह से क्या होता है कि आप सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, आपको बार बार खांसने की वजह से आपका सीना दर्द होता है और जैसे कि आपकी तकलीफें बढ़ते जाती है, हो सकता है इसके वजह से आपको सीने में ज़्यादा दर्द होगा। अगर आप एक अडल्ट हैं तो इसका जो डोज रहता है वो 5 ml ट्वाइस रहता है, मोस्टली आपको 5 दिन के लिए डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वह आपके अंदर जो बलगम रहता है उसे पतला करता है, उसके थिकनेस को कम कर देता है और उसे छोटा करता है, और आपके विंड पाइप जो रहती है उसे थोड़ा सा वाइडन करता है यानी चौड़ा करता है, जिसके वजह से जब आप खांसे तो ये आसानी से आपका जो कफ है वो निकल जाए, यानी जो आपको करके थोड़े से खांस रहे थे उतने में निकल जाए, आपको ज़ोर ज़ोर से खांस रहे थे उसके वजह से जो तकलीफ़ हो रही थी तो आपकी दूर हो जाए। अगर आप कोई डोज मिस कर जा रहा है तो सिंगल डोज फॉलो करें, इसे खाना खाने के पहले या बाद में भी ले सकते हैं, तो जहाँ तक हो खाना खाने के आप पहले मत लीजिए, बाद में लीजिए, क्योंकि बाद में लेंगे तो आपको चक्कर या कमजोरी जैसा महसूस नहीं होगा, पहले लेंगे तो हो सकता है कमजोरी महसूस हो आपको। अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हो तो इसे अवॉइड करें और डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आप इस मेडिसिन को खुद से लेंगे तो कुछ इस तरह के कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपको उल्टी आ सकती है, जिम चला सकता है, पेट में गैसेस, अपचन, डायरिया, डिसेंट्री जैसा महसूस हो सकता है, जो हर किसी को नहीं किसी किसी में देखने को मिलता है। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा, ऐसे अपडेटेड रहना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलता है।